हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेस। विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी का माध्यमिक एग्जाम अच्छा गया होगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो आप लोगों को हमने देख कर पता चल ही गया होगा। माध्यमिक देने के बाद बच्चों को अक्सर पता नहीं रहता कि वो क्या लेकर आगे पढ़ेंगे। इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 3 महीना बाद रिजल्ट आएगा आप लोगों का। सब तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि कोविड का सिचुएशन है। गवर्नमेंट को भी पता है कि स्कूल खुला नहीं था, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो पास तो हो ही जाएगा सब। अच्छा मार्क्स भी आएगा बहुत लोगों का। तो इस 3 महीने में क्या करना है ये भी बताऊँगा वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। तो शुरू करते हैं। तो टेन खत्म होने के बाद लोग जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं, आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। तो जान लेते हैं कि ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, कितना परसेंट चाहिए, नंबर कितना चाहिए, सब पता चलेगा अभी। तो आर्ट्स में हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। ये स्कूल का अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का। 5 सब्जेक्ट तो रहेगा जिसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। कॉमर्स में जो रहता है 11-12 दोनों में ही अकाउंटेंसी रहेगा, बिजनेस स्टडी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, मैथ रहेगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस कंप्यूटर भी रहता है कितने लोग का, और इंग्लिश हिंदी तो रहता ही रहता है। साइंस में क्या रहता है? तो साइंस में रहेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, डायटिक्स, और होम साइंस है, केमिस्ट्री है, तो माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, ये सब जो भी फॉरेंसिक साइंस, ये सब रहता है 11-12 का साइंस में। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आर्ट्स क्यों ले, साइंस क्यों ले और कॉमर्स क्यों ले। तो अब जिन लोगों का नंबर जो है 50% के नीचे अगर आ रहा है, 50% के नीचे अगर नंबर आ रहा है तो वो लोग को तो आर्ट्स मिलेगा ही। 50 को ऊपर अगर ज़्यादा मिल गया है जिसको, तो बहुत सारा स्कूल में है साइंस कॉमर्स मिल जाता है वो लोग को 50 के अभाव। और साइंस जिसको लेना है उसका 75 के अभाव रहेगा तो उसको साइंस मिल जाएगा। तो ये आप लोग का जो मार्क्स है, ये मार्क्स आप लोग का डिसाइड करेगा कि आप लोग आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे, कितना मार्क्स आप लोग लाते हैं। तो कॉमर्स जो है 55 के ऊपर, 60 के बीच में और 70 तक रहता है कॉमर्स, और साइंस का तो 75-80 के ऊपर रहेगा तभी साइंस मिलेगा अच्छा स्कूल में। ऐसे एडमिशन तो कहीं भी हो ही जाता है। तो अब क्या हम लोग के पास और कोई ऑप्शन है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को छोड़ कर पढ़ने का? है। जिन लोग का टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में, इसमें इंटरेस्ट है तो वे लोग आईटीआई कर सकते हैं। 10 के बाद इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अभी फ़िलहाल शायद भरा रहा है। अभी हुगली में जाकर जिसको करना है आईटीआई, वे लोग का फॉर्म जो है 22 फरवरी से ही भराना शुरू हो गया है, तो पता लगा कर देख सकते हैं। तो आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें भी भर्ती हो सकते हैं। इसमें पढ़ते क्या है, क्या पढ़ाई होता है इसमें? तो इसमें जो पढ़ाई होता है वो है मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सर्वेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये मेंटेनेंस है, नेटवर्क मेंटेनेंस, मैकेनिक, ऑटो बॉडी रिपेयर, अच्छा अटेंडेंट ऑपरेटर है केमिकल प्लांट का, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है, फीटर यानी मशीन वशीन को फिट करता है, इस तरह से और भी है। देखिए यहाँ पे टर्नर है, तो बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, फूड प्रोडक्शन भी है और फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारा है। फूड एंड बीवरेज सर्विस असिस्टेंस है। तो ये सब आईटीआई के अंदर में ये सब पढ़ने को मिलता है ये सब। तो आप लोगों को इंटरेस्ट है अगर 10 के बाद, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, 2 साल का ये सब कोर्स होता है आईटीआई का। आईटीआई के बाद फिर आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं 2 साल और 3 साल लगाकर। आईटीआई तो हो गया, जिसका मान लीजिए आईटीआई नहीं होता, नहीं इच्छा है,
तो लोग क्या कर सकते हैं, एक है वोकेशनल, ये जो है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर हो ही होता है वोकेशनल, ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पढ़ाई होता है वोकेशनल का। तो ये स्कूल में होता है, आप लोग स्कूल में जाकर जैसे ही 10 का रिजल्ट मिलेगा तो वोकेशनल का एडमिशन शुरू हो जाता है। तो वोकेशनल में आप लोग पढ़ते क्या है, क्या इसमें लेडीज जेंट्स दोनों ही पढ़ सकता है? तो हाँ, दोनों ही पढ़ सकता है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, तो आई मीन सर्वे है, इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग, मोटर विंडिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सर्विसिंग है, और व्हीलर मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रीसियन, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस है ना, मोबाइल रिपेयरिंग वपेयरिंग, ये सब भी इसके भीतर होता है। फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, प्लम्बिंग है, वुड फर्नीचर है, ये टेलीफोन मोबाइल रिपेयरिंग, फुटवेयर, ये सब आता है वोकेशनल में। तो 10 का रिजल्ट निकलने के बाद आप लोग स्कूल में पता कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा स्कूल में वोकेशनल होता है, तो ये आप लोग चुन सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर कोर्स भी बहुत सारा होता है 10 के बाद, क्या क्या 10 के बाद कोर्स होता है, तो उसमें है बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ITI है कंप्यूटर में, और ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग है ना, एनिमेशन का मार्केट भी अभी बहुत चल रहा है। तो आप लोग ये सब कोर्स भी कंप्यूटर से रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये सब कोर्स तो हम लोग कर सकते हैं 3 महीना बाद जब रिजल्ट आएगा तब, लेकिन इस 3 महीना में क्या करेंगे, क्या करेंगे 3 महीना? तो 3 महीना में जिन लोगों को आर्ट्स लेना है, ये लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब 11 में इंग्लिश जो है टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अब याद करना रहेगा, समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले के जैसा अब नहीं है कि इसी एक पैसेज दे देगा और उसको देख के कर सकते थे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों वाला ही क्या कर सकते हैं, इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। कॉमर्स वाला क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाला अकाउंटेंसी शुरू कर सकते हैं पढ़ना, और जो साइंस लेना चाहते हैं वे लोग इंग्लिश तो पढ़ेंगे ही, कॉमर्स वाला भी इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस वाला भी इंग्लिश पढ़ेंगे। इसके अलावा साइंस वाला जो है ये लोग मैथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अब थोड़ा टफ हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जिन लोगों का भी अभी जो भी कमजोरी है इस 3 महीना में, अपना जो भी सब्जेक्ट का कमजोरी है उस सबको दूर करने का भी समय है। 3 महीना को जो है, 3 मंथ को अभी वेस्ट नहीं होने देना है। जो भी तुम्हारा वीकनेस है, जो भी सब्जेक्ट में वीकनेस है उसको अभी ख़त्म कर दो। इस 3 महीना में जो भी सब्जेक्ट का वीकनेस है तुम लोग का वो ख़त्म करो, टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि 3 महीना अगर पढ़ाई बंद कर दोगे तो जो आता है वो भी क्या होगा, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो भूलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को देखिए 10 के बाद क्या कोर्स लेंगे और किस तरह का आप लोग एडुकेशन चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहते हैं या नॉर्मल आर्ट्स कॉमर्स साइंस ही पढ़ना चाहते हैं, ये डिपेंड तो आप लोग का इंटरेस्ट और गार्जियन पेरेंट्स का सलाह सब देख के करिएगा। तब तक ये वीडियो को आप लोग देखिए, और जो भी आप लोग का फ्रेंड है उन लोगों को शेयर करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके 9 क्लास, 10 क्लास, 11 12 का जो फ्रेंड है, दोस्त है, भाई बंधु है, उन लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें, ताकि वे लोग इस चैनल को, वीडियो को देखें। थैंक यू।